मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत 29 दिसंबर को नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाड़ी और नानघाट में आम जनता से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं आवेदनों का निदान करने के साथ ही उनसे शासन की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। निर्धारित दौरे पर कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11:44 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे आम जनता से भेंट मुलाकात एवं शासकीय योजनाओं का कार्यक्रम का जायजा लेने के पश्चात ग्राम नांदघाट जाएंगे और वहां दोपहर 2:30 बजे आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात वे नांदघाट रेस्ट हाउस जाएंगे और वहां शाम 6 से 8 बजे तक विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल से भेंट मुलाकात करेंगे। साथ ही रात्रि 8 बजे प्रस्थान कर 9:15 पर मुख्यमंत्री निवास रायपुर वापस लौट आएंगे। तो खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री के दौरे हमने आपको बताए, निम्न दौरे हैं उनके, फीडबैक लेंगे वो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत 29 दिसंबर को नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी और नानघाट में आम जनता से मुलाकात करेंगे। बता दें कि मुलाकात करके समस्याओं का जायजा लेंगे कि जनता को क्या समस्या है, रहवासियों के क्या आवेदन है और उनका निदान करने का भी मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे। साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। चलिए इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ बेमेतरा से ही हमारे संवाददाता संजू जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजू, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान है जिसके तहत वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग गांवों में जाएंगे, लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मैम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेमेतरा जिले के यह तीसरा भेंट मुलाकात है। पहला साजा विधानसभा था, फिर बेमेतरा विधानसभा, आज नवागढ़ विधानसभा में आज वो भेंट मुलाकात में पहुंचेंगे, जहां दाढ़ी और नानघाट में रहेगा उनका भेंट मुलाकात। और क्या क्या मुद्दे, मतलब क्या क्या तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आम लोगों से मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे, काफी एक्टिवली वो जो है नजर आ रहे हैं, तो तैयारियां कितनी हो चुकी है? तैयारी पूरी कर चुकी है मैम। वहाँ अपने जैसे किसान राशन गोधन या गोबर से संबंधित जो भी हितग्राही को क्या क्या इस योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब चीज के उनके द्वारा पूरा बकायदा संवाद करते हैं, पूछते हैं, और आम जनता जो हितग्राही है वो भी अच्छे से अपने मुख्यमंत्री को पूरा बताते भी हैं। जी चलिए, और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है अलग अलग जगहों पर, प्रदेश व्यापी उनके जो है दौरे चल रहे हैं, जिसके तहत आज वो जो है उनका अलग अलग गांवों में शहरों में कार्यक्रम है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है कि उनका जो है मुखिया उनके बीच आके उनसे संवाद कर रहा है, उनकी समस्याओं को। माननीय विधायक महोदय और जम्मू हमारे अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं, एक